नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के कालू नदी पर बने लगभग 100 साल पुराने पुल को चंद सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया। पुल को ध्वस्त करने से पहले एहतियात के तौर पर इलाके को खाली करा लिया गया था। पुल बेहद जर्जर हालत में था। करीब एक साल पहले ही इस पुल से बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। इस पुल को बेहद खतरनाक घोषित किया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ब्लास्ट के जरिए इस पुल को ध्वस्त किया है। हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस 100 साल पुराने पुल को ध्वस्त किया गया। इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर नया पुल बनाया जाएगा। ये पुराना पुल मुरबाड़ और शाहपुर तालुका को कालू नदी के जरिए जोड़ता था। अंग्रेजों के समय का बना ये पुल बेहद कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से 2016 में यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ पुल हादसे के बाद नदियों पर बने पुल की ऑडिटिंग कराई गई थी, जिसमें कालू नदी पर बने पुल को खतरनाक पाया गया था, जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।